Hi and welcome to the Android application course and also welcome to the part 2 of the CRUD operation using SQLite. Previous session ke andar humne CRUD operation pe do important cheeze dekhi ki hum kis tarah se database ke mein maujood table mein apne record ko insert karwa sakte hain aur view karne ke sath hi sath hum apne edit text boxes ke andar tamam records ko delete karke dobara se user ko kis tarah se eligible kar sakte hain ki wo next record insert kar sake. Lihaza video ko further start karenge aur yahan par in cheezon ko dekhenge ki hum apne inserted record ko edit kis tarah se kar sakte hain, which mean update, aur sath hi sath jo inserted record hai by using its id hum use kis tarah se delete kar sakte hain. Lihaza video ko further start karne se pehle main batata chalun ki isse related previously jitni video hai wo mere youtube channel pe maujood hai. Fahad Hussain cs se youtube pe search karne ke baad mere youtube channel par aa sakte ho. Is pe click karne ke baad aap iske playlist par jaoge aur tamam videos jo ki different discipline ki hain wo yahan par maujood hain. Aap with ease in tamam ko watch karke dekh sakte hain. Iske alawa jo bhi code hai ya content related material hai wo mere blog pe maujood hai. Fahad Hussain cs se गूगल पे सर्च करके मेरे ब्लॉग Fahad Hussain CS blogspot.com पर आ सकते हैं. इस पे क्लिक करने के बाद टॉप पर ही नेविगेशन बार पे आपको एंड्रॉइड जीरो टू हीरो का टैब मिलेगा. इस पे आप क्लिक करके आओगे नीचे की तरफ और तमाम कोड विद ईज के साथ क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही साथ राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है और इस फॉलोड बाय ईमेल के ज़रिए से आप अपना वैलिड ईमेल रजिस्टर करके यहाँ पर फॉलोवर बन सकते हैं. इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी यहाँ पर चीज़ें अपलोड की जा रही होंगी तो आपको बर वक्त इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले. वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली जो UI है हमारी जिस पे आप देख रहे हो कि इस वक्त हमारे पास ऐड व्यू और क्लियर का बटन, तो हमें मज़ीद दो बटन की ज़रूरत है. एक तो अपडेट के बटन की ज़रूरत है और एक साथ ही साथ हमें एक डिलीट के बटन की ज़रूरत है. लिहाजा इसके लिए मैं नीचे आऊँगा और लीनियर लेआउट के अंदर हमने एक और लीनियर लेआउट लिया हुआ था और ये जो तीन बटन्स हैं इनके नीचे हमें दो बटन्स मज़ीद ऐड करवाने की ज़रूरत है. तो मैंने डायरेक्टली इन दो बटन्स को यहाँ पर पेस्ट कर लिया. आप देख रहे हो कि बिल्कुल वही लॉजिक हमने इस्तेमाल की है लेकिन मज़ीद दो बटन्स यहाँ पर मैंने ऐड करा दिए. एक पर अपडेट लिखा हुआ और एक पर डिलीट लिखा है. इसकी आईडी जो है वो बटन अपडेट है और इसकी बटन डिलीट है. इसके बाद बैकहेंड पे चलेंगे और सबसे पहले हमें डेटाबेस हेल्पर वाली क्लास जहाँ पर हमने अपनी लॉजिक बताई हुई है यहाँ पर हमें दो मेथड्स ऐड करवाने की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. एक मेथड हमारा लॉजिक जो है वो अपडेट के लिए करेगा और एक डिलीट के लिए करेगा. अपडेट की क्वेरी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है इंसर्ट से लेकिन हमें जहाँ पर db insert लिखा है यहाँ पर अगर आप कंट्रोल स्पेस करके देखें तो आपको अपडेट का मेथड भी मिल जाएगा. तो सिर्फ यहाँ पर इसे चेंज करना है उसके बाद इसकी वैल्यू को रिटर्न करवा देना है. ठीक है, तो मैं कंट्रोल ऐड करूँगा और यहाँ पर आने के बाद दो मेथड्स क्रिएट कर लूँगा. फर्स्ट वन फॉर अपडेट एंड द सेकेंड वन फॉर दी डिलीट. तो इन दोनों मेथड्स को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया. बहुत ही आसान लॉजिक है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो आपको बड़े आसानी के साथ ये बात समझ में आ जाएगी. सेम हमने SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, कंटेंट वैल्यूज़ बनाई और तीनों या चार टेक्स्ट बॉक्सेस में जो वैल्यूज़ होंगी वो आईडी को सर्च करते हुए हमारी वैल्यूज़ उन तमाम चारों अपडेट कर देंगी, चारों रिकॉर्ड्स को, जो आईडी, नेम, स्ट्रिंग, जेंडर, व्हाटएवर जो भी हैं वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी. लेकिन वाज़ह है कि जो चीज़ें अपडेट होंगी वो बाय यूजिंग आईडी ही होंगी. ठीक है, उसके बाद यही वैल्यू हमने रिटर्न करा दी, विच मीन जहाँ पर मैं बैक एंड पे से कॉल करूँगा वो उन तमाम रिकॉर्ड को एग्जिस्टिंग को अपडेट कर देगा. उसके बाद डिलीट में हमने डायरेक्टली db.delete कॉल किया और अपने टेबल से बाय यूजिंग आईडी उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे. जो चौथा हमारा एडिट टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जो भी आईडी लिखी जाएगी वो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा इफ़ द रिलेटेड वैल्यूज़ और आईडी इज़ प्रेजेंट ऑन द टेबल ऑफ द डेटाबेस. तो इस तरह से हमने डेटाबेस हेल्पर के अंदर काम मुकम्मल कर लिया रिक्वायरमेंट के मुताबिक. अब हम बैक हैंड पे चलेंगे और सबसे पहले अपने दो बटन्स को यहाँ पर कॉल करेंगे. यानी जो हमारे पास अपडेट बटन है और डिलीट बटन है उन दोनों को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फाइंड बाय आईडी ऑन क्रिएट मेथड में करेंगे. तो हमने सबसे पहले यहाँ पर दोनों मेथड्स, दोनों बटन्स को कॉल कर लिए, बटन डिलीट और बटन व्यू अपडेट. ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इस जगह पर. जैसे कि आप देख रहे हो दो बटन्स मौजूद हैं, हमें दो बटन्स मज़ीद बनाना है, उन फाइंड बाय आईडी करनी है जो हमने व्यूज़ पर आईडी दी है और साथ ही साथ हमें दो मेथड्स भी बनाने हैं बैक हैंड पे. तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर उन दोनों को फाइंड बाय आईडी की और दो मेथड्स होंगे, एक का नाम अपडेट डेटा होगा और एक का नाम डिलीट होगा. बिल्कुल एज यूजुअल वैसे ही जिस तरह से हमने ऐड व्यू और व्यू ऑल के लिए दो मेथड्स बनाए थे. लिहाजा अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद वो दो मेथड्स क्रिएट करते हैं जिनके लिए जिनका नाम मैंने अपने ऑन क्रिएट मेथड्स पर लिखा है. तो यहाँ पर आने के बाद हम डायरेक्टली उस कोड को यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डिलीट डेटा है. अगर तुमने प्रीवियस सेशन पे यानी वीडियो सेशन के अंदर इंसर्ट वाले कोड को देखा हो तो तुम्हें याद होगा कि इंसर्ट के अंदर हमने सबसे पहले बटन अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और बटन से क्लिक लिसनर बनाया था.
जब बटन पर सेट ऑन क्लिक लिसनर बनाया तो उसमें ऑन क्लिक का मेथड बन जाता है, फिर हमने बूलियन वेरिएबल के साथ जो डेटाबेस की हमारी फाइल थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें से इंसर्ट डेटा को कॉल किया था और उसके तीन पैरामीटर थे, तीनों को कॉल कर लिया था। बिल्कुल एज यूजुअल हमने इस वक्त जो रिकॉर्ड अपडेट करवाना है हमें, उसमें भी हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, मेथड बनाया, क्लिक लिसनर बनाया और अपडेट के बाद यहाँ पर तीनों जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको कॉल कर लिया। आप देख रहे हो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पर कॉल हो रहे हैं और उसके बाद अगर इसकी वैल्यू अपडेट सही होती है, विच मीन चारों वैल्यूज अपडेट की जाती हैं, ट्रू होती है बूलियन पे, तो हमने टोस के जरिए से अपडेट करवा दिया, वरना नॉट अपडेटेड का मैथड जो मैसेज है टोस के जरिए से डिस्प्ले करवा देंगे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से इंसर्ट के लिए कर रहे थे। उसके बाद डिलीट के लिए हमने क्या किया, बटन का क्लिक लिसनर बनाया, ऑन क्लिक इवेंट पे जाने के बाद हमने एक इंटीजर वैल्यू ली और कहा कि माई डीबी में से डिलीट मेथड को कॉल करो और डिलीट मेथड के अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है वो आईडी के जरिए से हो रहा है, तो जिस एडिट टेक्स्ट बॉक्स में आईडी की वैल्यू लिखी गई है उसके वैल्यू को लो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और उसके बाद चेक करो कि क्या वो रिकॉर्ड जो टेबल पर मौजूद था वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब है वो रिकॉर्ड वहाँ से डिलीट हो गया होगा और डिलीट हुआ होगा तो यकीनी तौर पे रॉस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगी। यही वजह है कि वो जब जीरो से ज़्यादा होगी तभी तो रिकॉर्ड डिलीट होगा, तो जब रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा तो डेटा डिलीटेड लिखा आ जाएगा। अगर वो रिकॉर्ड या आईडी मौजूद नहीं होगी तो हम यकीनी तौर पे अपने रॉस को ग्रेटर देन जीरो नहीं कह सकते, जब वो नहीं होगा तो टोस में डेटा नॉट डिलीटेड लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ना सिर्फ सबसे पहले यूआई को अपडेट किया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दो बटन्स बनाकर, फिर उसके बाद हमने डेटाबेस हेल्पर की क्लास के अंदर दो मैथड्स बनाए और उन्हीं मैथड्स को यूज़ करते हुए अपने यूआई के बैकहेंड कोड पर भी अपने दो मैथड्स को कॉल करके एलिजिबल कर लिया है अपने कोड को या अपनी एक्टिविटी को कि वो मजीद दो मैथड्स को या दो वर्क को अपने इस इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करवा सके। लिहाजा अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या कंप्लीट क्रूड ऑपरेशन हमारी इस एक्टिविटी पे रन हो रहा है या नहीं। लेट्स सी एंड हियर इट इज। तो मैं कुछ रिकॉर्ड को ऐड करवाने के बाद डिलीट भी कर चुका हूँ, लिहाजा यही वजह है कि आईडीज़ कुछ हमारी यहाँ पे चेंज होगी, लेकिन उससे हमें परेशान नहीं होना है। हम सबसे पहले एक यूनिक रिकॉर्ड ऐड कराएंगे, व्यू कराएंगे, क्लियर करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करके देखेंगे। तो हम एक रिकॉर्ड ऐड करवाते हैं जॉन के नेम से और हमने इसकी आईडी दे दी 124। तो ये तीन रिकॉर्ड्स जो यूज़र के ज़रिए से लिए गए थे वो लेने के बाद मैंने ऐड पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं कि टोस पे लिखा गया डेटा इंसर्टेड, मैंने व्यू पे क्लिक किया, व्यू पे आईडी 5 पे, क्योंकि चार रिकॉर्ड्स मैंने ऐड करवाने के बाद डिलीट करवाए थे तो पाँचवें आईडी पे ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्लियर के बटन पर क्लिक किया, तमाम रिकॉर्ड क्लियर हो गए। अब मुझे अपडेट करना है किसे, इसी जॉन को, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर बताना होगा आईडी। अच्छा, ये सर्चिंग लिखा है इसका मतलब ये अपडेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने सर्च पे काम नहीं किया, सर्च पे इन फ्यूचर काम करेंगे। मैंने लिखा 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 5 रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहा हूँ। आप किससे अपडेट करना चाह रहे हैं बताएंगे। मैंने कहा जॉन को सारा से एक्सचेंज करो फीमेल और इसकी आईडी ये कर दो, ठीक है। तीनों चीज़ों को अपडेट कर रहा हूँ ताकि हमें फाइनल रिजल्ट का पता चले। मैंने अपडेट पर क्लिक किया, इट्स नाउ डेटा अपडेटेड, व्यू पे क्लिक किया और आप देखेंगे कि सारा फीमेल 498 में वो चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी हैं। बाहर क्लिक करूँगा, उसके बाद डिलीट का जो फॉर्मेशन है या वर्किंग है वो इस टेक्स्ट बॉक्स या एडिट टेक्स्ट बॉक्स के जरिए से 5 के जरिए से, और 5 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इनका कोई मकसद नहीं है। लिहाजा अगर मैं 5 के बेस पर डिलीट पर क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर डेटा डिलीट हो गया। व्यू पर क्लिक करेंगे और आप नथिंग का मैसेज देखेंगे जो कि उस रिकॉर्ड को डिलीट कर चुका है। तो इस तरह से हमने दो सेशन के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ कोड के ज़रिए से देखा, ठीक है, कोड बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं लीस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक लॉजिक थी और हमारा बहुत सारा कोड सिर्फ और सिर्फ रिपीट हो रहा है मेथड्स के कॉल करने की वजह से। तो यही वजह है कि मैं से लीस्ट नंबर ऑफ कोड कह रहा हूँ के ज़रिए से हमने देखा कि हम किस तरह से SQLite को यूज़ करते हुए क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं बरवक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरवक्त जानकारी मिलती रहे और यूँ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि नत नए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपको बरवक्त सीखने का मौका मिलता रहे। थैंक यू।